नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्य स्क्रीन कैफ़े में। आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन में लगे सारे पौधे, जितने भी फ्लावर के पौधे हैं या फिर सब्जियों के पौधे हैं, वो सारी चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि मेरे टेरेस गार्डन में कौन कौन सी सब्जी लगी हुई हैं। तो ये मेरे चैनल में 2023 की पहली गार्डन टूर की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए मेरे टेरेस गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला ये आलू है जो मैंने ठंड के मौसम में अपने टेरेस गार्डन में लगा रखी है 15x15 के ग्रो बैग में। और ये देखिए, ये गेंदे का फूल है, तो गेंदे के फूल आपको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए। ये मुनगा का पौधा है, मुनगा का पौधा छत पे नहीं लगा है, वो नीचे ज़मीन पे लगा हुआ है और उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और आगे देखिए, ये है ब्रोकली, तो ब्रोकली मैंने 12x12 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाया हुआ है। और ये देखिए, ब्रोकली भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये पौधा अभी बहुत हेल्दी है और कुछ ही दिनों में इसमें ब्रोकली आने लगेंगे। अभी छोटे छोटे साइज़ के ब्रोकली आ चुके हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्रोकली मैं अपने टेरेस गार्डन में कैसे ग्रो करती हूँ। और ये देखिए, ये है स्नेक प्लांट एलोवेरा और ये एक टमाटर का पौधा जिसमें बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। और इधर देखिए, ये एक गिलोय का भी पौधा है, मैंने गिलोय का पौधा भी अपने टेरेस गार्डन में लगा के रखा है। तो आप भी अपने टेरेस गार्डन में इसी प्रकार से सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये गांठ गोभी के कुछ पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो इसमें गांठ गोभी भी बन गया है। गांठ गोभी अपने टेरेस गार्डन में कैसे उगा सकते हैं, इसका वीडियो पहले से ही मेरे चैनल में पब्लिश है। वो ठंड के मौसम में उगने वाली सब्जी होती है। तो गांठ गोभी अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ठंड अभी बहुत मतलब है, टेम्परेचर कम है, तो आप अभी भी गांठ गोभी लगा सकते हैं। और एक देखिए, ये फूल गोभी के पौधे हैं, तो फूल गोभी भी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। तो फूल गोभी भी मैंने 12x12 के ग्रो बैग में एक पौधा लगाया था। देखिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से अपने टेरेस गार्डन में सारी सब्जियां ग्रो करती हूँ। यहाँ पे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी सारे पौधे लगे हुए हैं मेरे टेरेस गार्डन में और मैं इसमें बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं करती, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। देखिए, ये टमाटर हैं जो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और भी पौधे हैं जिसमें अभी फूल लगे हुए हैं और फल भी आ रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से अपने टेरेस गार्डन में बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी ग्रो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो पब्लिश हैं कि मैं अलग अलग प्रकार की सब्जियां अपने टेरेस गार्डन में कैसे ग्रो करती हूँ। ये सारे सब्जी के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में पहले ही अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने टेरेस गार्डन में बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये चेरी टमाटर का पौधा है और यहाँ मैंने चना भाजी भी लगा रखा है। देखिए, चना की साग है, तो आप इसी प्रकार अपने टेरेस गार्डन में सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। देखिए, एक लौकी का पौधा, लौकी भी मैंने ये उसके लिए ये मतलब ये पूरा बना रखा है कि आप अगर किसी भी लता वाला पौधा, कोई सा भी लता वाला पौधा लगाएं, तो आप उसको कैसे एक ग्रीपर नेट की सहायता से ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ लौकी का पौधा भी लगाया हुआ है, इसमें लौकी फल भी रहे हैं और बहुत सारे इसमें छोटे फल भी लगे हुए हैं। देखिए, ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, तो ये गोल वाले लौकी हैं। तो आप अपने टेरेस गार्डन में गोल वाली लौकी, लंबी वाली लौकी, ये सारे चीज़ लगा सकते हैं। मैंने 15x15 के एक ग्रो बैग में एक पौधा लगाया है। और अगर आपके पास बड़ा ग्रो बैग है 18x18 के साइज़ का, तो उसमें आप एक ग्रो बैग में दो पौधा भी लगा सकते हैं। और मिट्टी कैसे तैयार करना है ग्रो बैग के लिए, ये मेरे चैनल पर पहले ही वीडियो पब्लिश है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आप ग्रो बैग के लिए अच्छी मिट्टी कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मूली भी मैंने लगाया हुआ है और ये चुकंदर है, तो चुकंदर भी आप अपने टेरेस गार्डन में ठंड के मौसम में लगा सकते हैं। ठंड एक ऐसा सीजन होता है जिसमें आप बहुत सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती हैं। तो देखिए, लौकी, ये लौकी का वीडियो मैंने इधर से लिया हुआ है। और देखिए, शलजम है, शलजम भी आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। और शलजम, गाजर, ये गाजर है, जब मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी तो इसका एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पर पब्लिश करूँगी। और ये देखिए, ये पपीता का पौधा है जिसे मैंने 18x18 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। तो आप इसी प्रकार अपने टेरेस गार्डन में बहुत सारे फूल के पौधे भी लगा सकते हैं। देखिए, गेंदे का फूल है और ये हॉली हॉक्स हैं, ये ठंड के सीजन में ही लगाए जाने वाले पौधे मतलब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और फिर कुछ गुड़हल हैं, गुलाब के पौधे हैं, तो आप ये सारे पौधे अपने टेरेस गार्डन में बिल्कुल आसानी से उगा सकते हैं। देखिए, ये रात रानी का पौधा है, तो आप इसी प्रकार से सारे फूल अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ये सारे हॉली हॉक्स के पौधे हैं और ये गेंदे के पौधे हैं। और ये देखिए, ये सारे मीठा नीम का पौधा है और पुदीना है, तो ये सारे पौधे मैं अपने टेरेस गार्डन में बहुत ही ईजिली ग्रो कर लेती हूँ। और ये देखिए, मैं इसमें कभी भी केमिकल, किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं करती। ये डेजी का पौधा है
और ये कॉस्मोस का पौधा है। तो आप भी ठंड के मौसम में, ये सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं तो इसे सिर्फ ठंड के मौसम में ही ग्रो कर सकते हैं, ये ठंड वाले ही पौधे हैं। तो ये देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए धनिया है। तो धनिया भी मैंने अपने टेरेस गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो किया है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इसका भी एक वीडियो पहले से पब्लिश है। ये देखिए, ये मैंने हरी भाजी लगाई थी तो उसके साथ में भथुआ की भाजी भी ग्रो हो गई है, और सरसों की साग है, और ये प्याज है जिसे मैंने प्याज से ही उगाया था। तो आपके घर में जो प्याज रखे रहते हैं जिसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं, आप उससे उगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मटर के पौधे हैं। तो आप इसी प्रकार अपने टेरेस गार्डन में बहुत सारे सब्जी ठंड के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ये पालक है, पालक तो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से पब्लिश है कि आप पालक कैसे ग्रो कर सकते हैं। और ये अदरक, हल्दी, ये अदरक के पौधे हैं और हल्दी भी टेरेस गार्डन में लगा हुआ है जिसे मैं हार्वेस्ट करूँगी। अब वो तैयार हो गए हैं, गर्मी के मौसम में मैंने इन्हें लगाया था। और ये देखिए, ये बैंगन के पौधे हैं। तो ये वाइट बैंगन है मेरे टेरेस गार्डन में, वाइट बैंगन और बैंगनी बैंगन, दो तरह के बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। तो मैं जब भी इसका वीडियो बनाऊंगी, हार्वेस्टिंग का वीडियो, तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। और पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो पब्लिश है कि आप बैंगन के प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। और ये देखिए, मिर्च के पौधे हैं, मैं अपने टेरेस गार्डन में मिर्च के पौधे भी लगा के रखती हूँ। और ये बीन्स के कुछ पौधे लगे हुए हैं, 24x24 के ग्रो बैग में मैंने केले का पौधा भी लगाया हुआ है। और ये देखिए, ये प्याज के पौधे हैं, इसे मैंने पौधे से लगाया है। और ये बैंगनी पत्ता गोभी है, बैंगनी पत्ता गोभी आप अपने टेरेस गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसका वीडियो पहले ही मेरे चैनल पब्लिश है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि बैंगनी पत्ता गोभी आप अपने टेरेस गार्डन में कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करना भी बहुत आसान है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको मेरे टेरेस गार्डन से मिलती रहेंगी। ये कॉर्नफ्लावर के पौधे हैं, तो ये सीजनल फ्लावर होते हैं जो सिर्फ ठंड के मौसम में ही लगते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।